भाजपा इस बार चुनाव बहुत बुरी तरह हार जाएगी, आपको ये देखने को मिलेगा कि भाजपा की सरकार कहाँ बनने जा रही है। 400 पार का नारा है तो कहीं नहीं बनेगी, नारा बहुत देंगे भैया। पारसनाथ राय का गाजीपुर लोकसभा में जब चुनाव आ गया तो घर घर जाकर के मिल रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे किसी के, तो किसका पल्ला भारी लग रहा है, क्या होने वाला इस चुनाव में? इस समय तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में है, और गाजीपुर ज़िले में एक तरीके से देखा जाए तो बसपा, सपा और बीजेपी तीनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और क्या माहौल है यही जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में नंदगंज थाना अंतर्गत मौजूद हैं। यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक दुकानदार से हमने मुलाकात किया, एक मैकेनिक वाला दुकान है जो कि आप साफ तरीके से देख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे। तो चलिए जान लेते हैं कि गाजीपुर ज़िले में माहौल क्या है, किस तरीके का क्या माहौल है, और कौन इस ज़िले से, इस लोकसभा सीट से किसका पल्ला भारी है, आइए जानते हैं। स्वागत है भैया, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं आशुतोष गौतम। तो गाजीपुर में तीनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। जी। तो किसका पल्ला भारी लग रहा है, क्या होने वाला इस चुनाव में? इस समय तो जो माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके से बसपा ने टिकट वितरण किया है उसके हिसाब से तो गाजीपुर लोकसभा में बसपा का पल्ला भारी दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है, और मुख्तार अंसारी के निधन हो जाने के बाद अफजाल अंसारी का पल्ला कुछ ज़्यादा भारी हो गया है। यादव वोट और मुस्लिम वोट की बात की जाए तो सभी वोट एक तरीके से देखा जाए तो एकजुट होकर के अफजाल अंसारी की तरफ जा रहा है, ऐसा समाजवादियों का दावा है। जैसे दावा तो कोई भी अपना कर सकता है, भाजपा वाले भी करेंगे, सपा वाले भी करेंगे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अगली बार हम लोगों ने अफजाल अंसारी को सांसद बनाया, दमदारी से मेहनत करके और उनको सांसद बनाया, लेकिन किसी के दुख और सुख में, किसी के समस्याओं में, किसी के घर, किसी की समस्याओं में मिलने तक नहीं गए, और लोग अपने घर कराते रहे कि नहीं सांसद जी आएंगे तो हमारा भला करेंगे, लेकिन वो 5 साल किसी के घर नहीं गए, किसी की समस्याओं में मिलने नहीं गए, किसी के दुखों में नहीं गए, और इसके बाद जब चुनाव आ गया तो घर घर जाकर के मिल रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो किस मुँह से वोट मांगने जाएंगे किसी के, एक भी विकास के नाम पर कुछ भी काम भी नहीं किए हैं, तो इसलिए कोई उसको फायदा मिलने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि 5 साल अभी सांसद बना के सब लोगों ने देख लिया है भैया। अच्छा। जी, यानी आपका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से डॉक्टर उमेश सिंह को जो टिकट दिया गया है जी, उनका पल्ला भारी है। जी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, BHU से महामंत्री रह चुके हैं, तो वो अच्छे नेता हैं, सबके सुख और दुख में मिलाकर चलेंगे और कंधे से कंधा मिला करके इस गाजीपुर का विकास अगर करना है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस गाजीपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार इस डॉक्टर उमेश सिंह पर विश्वास करके देखें, तब इस गाजीपुर का भला होगा, विकास होगा। लोग कहते हैं कि बसपा जो पार्टी है बीजेपी की बी टीम बन करके काम करती है, यही कारण है कि गाजीपुर ज़िले से एक सिंह को, ठाकुर बिरारी को टिकट दिया गया है, और इसका असर साफ देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीधा बीजेपी को फायदा होने वाला है। जैसे भैया जो राष्ट्रीय पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी बी टीम नहीं होती है, वो ए टीम होती है, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं वो बी टीम होती हैं, और बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, भारत में तीसरे नंबर की पार्टी बसपा है, पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, दूसरे नंबर की भाजपा, तीसरे नंबर की बसपा है, तो बसपा राष्ट्रीय पार्टी है वो ए टीम है, बाकी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बी टीम है। अच्छा। वो बी टीम के रूप में काम करती हैं किसी को जिताने का हराने का। हम ही कहते हैं कि अगर किसी पार्टी में दम है तो पूरे भारत में लोकसभा का प्रत्याशी उतार के दिखाए, पूरे भारत में बसपा का लोकसभा का प्रत्याशी उतर के मैदान में लड़ रहा है, और बहन जी आकाश आनंद पूरे भारत में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, बसपा के उम्मीदवारों को जिताने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो पारसनाथ राय भी आए गए हैं, बीजेपी से आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो क्षत्रिय जो बड़ी जातियां हैं, क्या उनकी वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ सकता है? जी, अभी कल ही मेरे कई लोगों से बात हुई है, जो
कि बसपा को क्षत्रिय समाज के लोगों ने हमसे भी बात की है, कई कई जगहों पर तो बैठक भी किए हैं कि हम लोग इस बार डॉक्टर उमेश सिंह को जिताएंगे। जी, उमेश सिंह को जिताएंगे क्षत्रिय समाज। क्षत्रिय समाज का वोट 2.5 लाख के करीबन है, इसके बाद बसपा का वोट जो दलित वोट है वो 4.5 लाख है, और इतना वोट मिला करके जीतने के काफ़ी है। और इस वोट को देखते हुए और लोग जैसे बिंद हुए, कुशवाहा हुए, वो लोग मन बना रहे हैं, और मुस्लिम समाज का भी लगभग 30 से 40% वोट बसपा को मिलेगा, और जिताऊ उम्मीदवार है और जिसकी भी लड़ाई है डॉक्टर उमेश सिंह। यानी आपको लग रहा है कि पारसनाथ राय कुछ नहीं कर सकते हैं? पारसनाथ राय का गाजीपुर लोकसभा में 1500-2000 वोट है। लोग कह रहे हैं कि जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं उनकी यदि निचले स्तर से जब सीट निकलती है तो विकास ही विकास नज़र आता है, तो कैसे क्या होगा जब उनकी सीट नहीं निकलेगी तो क्या विकास हो पाएगी आपके हिसाब से? जैसे कहने का मतलब है कि भाजपा की सरकार कहाँ बनने जा रही है? 400 पार का नारा है तो कहीं नहीं बनेगी। नारा बहुत देंगे भैया, 400 नारा देंगे, नारा देने से नहीं होगा ना। भाजपा इस बार चुनाव बहुत बुरी तरह हार जाएगी, आपको ये देखने को मिलेगा। भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, ये देख लीजिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं बताइए? कि इस बार देख रहे हैं ना, पूरे जितने नौजवान हैं रोडों पर पकौड़ा तल रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, और इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, सब लोग तरह तरह हैं कि आखिर हम लोग ऐसे उम्मीदवार को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएं कि जो हमारा विकास कर सके। बाबा साहब, बेरोजगारी रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जाएगा? जैसे बेरोजगारी के लिए रोजगार दिया जाए, सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिया जाए, और कंपनियाँ खोला जाए, बड़े बड़े जो है कि कंपनी खोलेंगे तो उसमें रोजगार मिलेगा। मुनीब कुमार बिंद है सर। क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसकी पल्ला भारी है गाजीपुर जिला से? देखिए, हम तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जो मन है कि बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे और उसी को जिताएंगे। उनका उनका जो है कि शासन हमको अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या सच है, कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, उनकी में तो हमको बहुत बढ़िया लगता था, और उनके में जो कार्यकर्ता थे वो हर लोग डरते थे बहुत, इसीलिए हमको उन्हीं का सरकार ठीक है। अच्छा जी, बेरोजगारी एक तरीके से कहा जा रहा है, बेरोजगार पे जगह जगह पे सवाल किया जा रहा है, और लोगों का तरह तरह से बयान भी आ रहा है, तो क्या लगता है ज़्यादा बेरोजगारी है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है ये जो आप खोल करके बैठे हैं ये रोजगार नहीं है? नहीं, ये तो है, ये तो मजबूरी में किया जाता है। नहीं है रोजगार तो क्या करेंगे, कुछ करना ही पड़ेगा ना, कुछ कर रहे हैं। फिर इस सरकार में रोजगार तो नहीं है, पढ़ लिख के सब मतलब नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नौकरी चाकरी मिल ही नहीं रही है, तब मजबूरी में हम लोग भी गाड़ी बनाते हैं, अपना करते हैं। अच्छा, क्या करें, ये मजबूरी में बना रहे हैं जी। यानी इसको आप रोजगार नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, ये तो बैठे हैं, देखो कितना रोजगार ये चलता है, कि जीविका है, बस जीविका चल जाता है, बस जी करते हैं, बस थोड़ा बहुत कमाते हैं, बस इससे क्या होगा।